हेलो भैया, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चा हम कर रहे थे आपका चैप्टर या अध्याय लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन, यानी प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन। और आज हम इसमें करने वाले बच्चों इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस को। तो उसमें पहला क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। यानी एक उत्तल दर्पण की फोकल लंबाई ज्ञात करें जिसकी वक्रतर त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर या वक्रतर त्रिज्या आर बराबर 32 हो गया बच्चों आपका। एफ इज इक्वल टू आर अपॉन टू, एफ बराबर 32/2 और एफ बराबर आ गया आपका 16 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ए कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड या इनलार्ज्ड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, वेयर इज द इमेज लोकेटेड। यानी एक अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी किसी वस्तु का 3 गुना वर्धित बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, तो ये छवि कहाँ पर स्थित होगी। बिकॉज द इमेज इज रियल सो मैग्नीफिकेशन एम मस्ट बी निगेटिव। यानी चूंकि छवि वास्तविक है इसलिए आवर्धन m ऋणात्मक होना चाहिए। और m बराबर कितना क्या होता है बच्चों, h i अपॉन h, 0 बराबर होता है v अपॉन u इज इक्वल टू -3। अब ये -3 हो गया तो हमारे पास क्या आ गई, दो वैल्यू आएंगी बच्चों, v इज इक्वल टू -3u एंड u इज इक्वल टू -10। अब इनकी जब वैल्यूज़ को हम जैद पुटअप करेंगे बच्चों तो हमें क्या मिलेगा, v इज इक्वल टू -3 × -10। यानी u की वैल्यू जो थी हमने इसमें डाल दी, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों आपका -10। तो इससे क्या बोल सकते हैं हम, दस द इमेज इज लोकेटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर ऑन द ऑब्जेक्ट साइड ऑफ द मिरर। यानी इस प्रकार छवि दर्पण के वस्तु क्षेत्र वस्तु पक्ष पर दर्पण के 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे होता है ये वाले वीडियो का पार्ट आपका कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।